अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसमें तुम्हारी रजामंदी चाहिए होगी। इस काम के लिए तुम्हें अपना जहन बनाना पड़ेगा। फिलहाल तुम्हें अपने घर वालों से कोई बात नहीं करनी। ऐसा क्या काम है मेम साहब? मुझे कल रात को आपके लोग उठा के ले आए थे। क्या? क्या आप उन्हें जानते हैं? पर मुझे लगता है कि वो सेठ दाऊद के लोग हैं। मैं भी उस सैकड़ों लोगों में शामिल हूँ जो तुम्हारी बेटी को देख के अपने दिल पर काबू नहीं पा सकते। इसलिए मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरे हाथ से सब आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है वहीद। तुम्हें बताया तो था मेरे हाथ पैसों में तंग है, वरना मैंने तो फैसला कर लिया था कि इन सख्तियों का मुकाबला करने से बेहतर है कि हम भाग के शादी कर लें। जो सेठ दाऊद है ना, वो हमारी बेटी को पसंद करने लगा है। हाँ, उसने रिश्ता मांगा है हमारी बेटी राबी का। मतलब की बात और असल बात अब सुनो। जो सेठ दाऊद है ना, वो हमारी बेटी को पसंद करने लगा है। हाँ, उसने रिश्ता मांगा है हमारी बेटी राबी का, और उसके बदले 25 लाख हमको मिलेंगे। हमारी बेटी की जिंदगी भी संवर जाएगी और हम भी ठाट से ऐश की जिंदगी गुजारेंगे, ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। असकत, ज्यादा नहीं बोल, ज्यादा नहीं बोल। अपनी बेटी का सौदा करके आया है तो क्या सोचने के लिए जरा भी वक्त नहीं मिला? तू अकल से इतना कोरा हो चुका है। चल, तेरे को ताने देने की बीमारी हो गई है। अरे बेवकूफ, मैं कोई अपनी बेटी को बेचने जा रहा हूँ? मैं तो शादी कर रहा हूँ उसकी। अरे ये 25 लाख रुपए तो उसकी शादी का नजराना है, नजराना। मैं तेरी और सेठ की चालाकियों को अच्छी तरह समझती हूँ। ये जो रिश्ता तू करवा रहा है ना, ये किसी कीमत में नहीं होगा, नहीं करवाऊंगी मैं। मेरी जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिन्हें मैं किसी कीमत पर बदलने की कोशिश नहीं करता, और ना ही बदलने वालों को बर्दाश्त करता हूँ। तो तू मेरी बात समझ रही है ना? राबी मेरी बेटी है और उसकी जिंदगी के बारे में फैसले करने का अख्तियार भी मेरे मेरे को है। और अगर तूने रुकावट बनने की कोशिश की ना, तो मैं तुझे धक्के दे के निकाल दूंगा। जब ठोकरे खाएगी ना, जमाने भर की ठोकरे खाएगी, तब जो है एहसास होगा तेरे को। बहुत लालची इंसान हो तुम। अपना मतलब हासिल करने के लिए कर सकते हो, अंधे हो गए हो तुम। क्या गया तुम्हें? वो जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छा बुरा खुद बेहतर समझता हूँ। अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूँ कि बेचने नहीं जा रहा हूँ, बेचने नहीं जा रहा हूँ। नहीं, बस करो, बस कर। नायला, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा ये जोड़ा स्त्री कर देना, और तुम यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही हो।
मेरी बात की कोई अहमियत है इस घर में या नहीं? मैंने कब कहा कि आपके इस घर में कोई अहमियत नहीं है? और जहां तक बात रही इस तरह की, आपको नहीं नजर आ रहा सुबह से पूरे घर की सफाई कर रही हूँ मैं? आपको अपने जोड़े की स्त्री की पड़ी है। अरे बीबी, काम छोड़ के अगर तुम मेरे एक जोड़े पे स्त्री कर देती तो कोई कयामत ना आ जाती। मुझे कहने से अच्छा था कि आप खुद कर लेती या फिर अपनी लाडली बेटी को कह देती सुबह। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है? किसी को खातिर में ही नहीं लाती हो तुम? पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझो फिर बात करो। देखिए अम्मी, मैं काम को आपसे झगड़े के मूड में नहीं हूँ। और जहां तक बात रही जिम्मेदारियों की, तो एक बात ना याद रखे, मैं इस घर में बहू बन के आई हूँ, किसी की नौकरानी नहीं। हद है तुमसे भी, जो अपने घर से सबक पढ़ के आई हो ना, वही यहाँ दोहरा रही हो हमारे साथ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अम्मी, मेरे माँ बाप ने ना मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है। आपकी बेटी की तरह मेरा चक्कर नहीं चल रहा किसी के साथ। आपको तो पता ही नहीं है आपकी बेटी बाहर जाके क्या क्या गुल खिलाती फिर, किसके साथ ताल्लुकात है, कहाँ डेट मारती है। अभी आपको मौका मिला कि आप अपने गिरेबान में झांका हो, जब देखो मेरे पीछे लगी रहती है। मेरी मासूम बच्ची पे तुम इतना बड़ा इल्जाम लगाओगी? ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ठहर जाओ, शहजाद को आने दो, उससे कहती हूँ तुम्हारा कहीं और बंदोबस्त करे। हमारा गुजारा तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। सारा दिन मैं इस घर में काम करती हूँ, फिर भी मेरी कोई कदर नहीं है। जिस दिन आपकी बेटी आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएगी ना पूरे मोहल्ले में, उस दिन आप लोगों के होश ठिकाने आएंगे। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के, शहजाद आके मेरे पाँव पड़ेगा ना, तब भी इस दरवाजे में कभी नहीं वापिस आऊंगी। खुला दरवाजा, आ जाओ। अरे बैठे रहो। तुम यहाँ? हाँ, वो मुझे पता चला था सारे मामले का। खान का लड़का छोड़ के गया मुझे यहाँ। सब किसने किया है? कौन थे वो लोग? सेठ दाऊद के गुंडे। क्या इसका मतलब है? तुमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है? उसके बंदों ने मुझे सेठ दाऊद के घर में बंद कर दिया था। वो तो इत्तफाक से वहां के मुलाजमीन ने सेठ दाऊद की बीवी को सब कुछ बता दिया। इस तरह मेरी जान बच गई, ना वो तो मुझे जान से मार देना चाहते थे। करे खुदा का कि तुम बच गए, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि वो फिर ये हरकत नहीं करेंगे? तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं, ढूंढ रहे होंगे वो लोग तुम्हें। ऊपर से तुमने दरवाजा भी खोल के रखा हुआ है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, अभी भी खतरा है, मुझे मोहतात रहना होगा। ये सब है ना मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से क्यों? अगर उस दिन तुम मेरी वजह से सेठ दाऊद से ना लड़ते तो आज इस बात की नौबत ही ना आती। जिंदगी में ना चाहते हुए भी कुछ खेल खेलने पड़ते हैं और उनकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैंने एक बात का फैसला कर लिया जिब्रान। अगर तुम मेरी खातिर अपनी जान पर खेल सकते हो, अपनी जान को दाव पे लगा सकते हो, तो मैं भी तुम्हारी खातिर अपनी जान को दाव पे लगा सकती हूँ। पानी पियोगे? हाँ। किचन कहाँ है? सामने है, मैं लेके आती हूँ। मैं
मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था और तुमने मेरे भरोसे पर पानी फेर दिया। आखिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसे मैंने पूरा ना किया हो? तुमने मेरे अहतमाद को ठेस पहुंचाई है। देखो बेगम, तुमको मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? तुम एक दो टके की भीख मांगने वाली से मुझे जोड़ रही हो, और वो भी उस टैक्सी ड्राइवर के कहने पर। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। तुम लाख चाहने के बावजूद भी अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते, और अब मैं भी एक नए फैसले पर उतर आई हूँ। बेगम, मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं कि अब मैं तुम्हारी जुबान से कोई भी बात सुनने की रवादार नहीं हूँ। तुमने मेरे स्टेटस का ख्याल ना रखते हुए एक भीख मांगने वाली लड़की में इन्वॉल्व होने की कोशिश की। एक टैक्सी ड्राइवर को उठवा कर तुमने सर्वेंट क्वार्टर में बंद करवा दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमने गुंडे भी पाल रखे ताकि मेरी इमेज को तुम खराब कर सको। ये तो अच्छा हुआ कि अभी मार्केट में ये बात फैली नहीं है, वरना मेरी कंपनी की वैल्यू सिफर हो जाती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर इतनी मामूली बातों को इशू क्यों बना रही हो। इसका मतलब ये सब बातें सच है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं सच और झूठ की तमीज करना खूब जानती हूँ। तुम एक जिम्मेदार वर्कर थे, तुमसे ना सिर्फ शादी की बल्कि तुम्हें एक आला मुकाम दिया मैंने। इसके बावजूद तुमने मुझे हर मामले में ब्लाइंड रखा। ये तमाम इख्तियारात मैंने ही तुम्हें दिए थे और मैं ही तुमसे छीन रही हूँ। अब तुम्हारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। देखा, मगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाऊंगा। मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। तो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो गलती इंसान से ही होती है। आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। अब तुम्हारी कोई भी गलती की तलाफी नहीं है, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, समझे? तो अरे कौन है भाई? आ रही हूँ, सबर करो। पापा, अरे शहजाद, वो नायला क्या तमाशा लगा रखा है? क्या प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को? अरे वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की उसके साथ। देखिए अम्मी, मैं कोई बेवकूफ बच्चा नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि आपने नायला से क्या बात की होगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे क्या हो गया शहजाद तुझे? तेरी बीवी ने क्या पट्टी पढ़ाई है तुझे? तू तो बिल्कुल उसी के लहजे में बात कर रहा है। माँ की कोई इज्जत नहीं है? दिन भर नायला यहाँ नौकरानी की तरह काम करती रहती है, फिर भी आप लोगों को उससे शिकायत रहती है, और मैं आप लोगों के मसले सुलझाता रहूं या फिर दिन भर नौकरी करके आप लोगों का पेट पालूं, कोई एक काम हो तो बता दे मुझे। ये कैसे बात कर रहा है तू मुझसे? देखिए अम्मी, मैं इस वक्त वही कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है, और रही बात इज्जत की, तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे अपनी बीवी की इज्जत करना भी लाजिम है। अच्छा तू आहिस्ता तो बात कर, तमीज नहीं है माँ से बात करने की? मुझे तो बड़ा मान था तुझ में, भाई तू भी बदल गया। तेरी बीवी ने तुझे अपने पल्लू से बांध लिया है, तू अब माँ की कम अपनी बीवी की ज्यादा सुनने लगा है। अम्मी, अपनी गलतियों पे पर्दा मत डालें। मैं नायला को लेने जा रहा हूँ, और उससे पहले मेरी बात कान खोल के सुन लें। वो इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं, उसकी भी कोई इज्जत है। और रही बात काम की, तो अपनी बेटी मैविस पे भी नजर डालें। जिस लड़के के साथ वो घूम रही है ना, मुझे सारी इत्तला मिल रही है। आप इसको समझाएं, अगर उसने अपने लच्छन बंद ना किए ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी।
क्या कह रही है अम्मा? अब्बा ने मेरी शादी उस सेठ दाऊद के साथ तय कर दी है। अब्बा का दिमाग तो नहीं चल गया? दिमाग ही तो चल गया है ना उसका, जब भी तो ऐसी हरकतें कर रहा है। कर बोलते हो तो गाली गलोच मारने को दौड़ता है, बोलता घर से निकल जाओ। क्या करूं मैं? चाहे घर से निकलना पड़े अम्मा, लेकिन मैं उस सेठ दाऊद जैसे लालची इंसान से शादी नहीं करूंगी। ताकि मार पड़े उसे। 25 लाख में सौदा किया है, तुझे तो पता है ना तेरे बाप का, जहां पैसा देखते वहां गिर जाता है, उसको ख्याल नहीं है। जो भी कह ले अम्मा, किसी भी कीमत पे ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तुझे तो पता है ना उसकी जिद के आगे कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करें? अम्मा अब हमें बिना जुर्रत करनी पड़ेगी। कब तक हम अब्बा के बताए हुए रास्तों पे चलते रहेंगे और इस तरह जिल्लत की जिंदगी गुजारेंगे? इसलिए मैंने एक फैसला कर लिया है। सब फैसला? देख अम्मा, तू तो जानती है ना कि मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपाती। मैंने अपनी शादी का फैसला खुद कर लिया है। मैं तुझे बताना चाहती थी, मगर आखिर कौन है वो? जिब्रान नाम है उसका अम्मा, टैक्सी चलाता है। टैक्सी चलाता है? मैं जानती थी कि तुझे ये सुन के हैरत जरूर होगी, लेकिन अम्मा इस पूरी दुनिया में ना सिर्फ वही है जो मुझे खुश रख सकता है। उसी ने मुझे सेठ दाऊद जैसे लोगों की बुरी नज़रों से बचा के रखा हुआ है, और इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेला है अम्मा। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है? नहीं अम्मा, वो बस अकेला है। फिर भी तो उससे शादी करेगी? अम्मा मैं इतने सालों से भीख मांग रही हूँ, इन सड़कों पे हजार लोगों से मिल चुकी हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी कोई जिब्रान जैसे इंसान नहीं मिला। मैं ऐसे खोना नहीं चाहती। सेठ दाऊद जैसे इंसान से अगर मेरी शादी हो भी जाएगी ना, तो वो अपनी हवस पूरी करने के बाद में मुझे कहीं उठाकर फेंक देगा। ठीक है, जैसे तू कहेगी ना वैसा ही होगा। जो इज्जत से दो वक्त की रोटी खिलाए ना, वही अमीर घराना है। तेरी शादी मैं टैक्सी वाले से ही कराऊंगी। तेरे बाप को जो चाहे ना करे, मैं खुद ही इस बात को देख लूंगी। तू फिक्र ना कर, बस देखना तेरी शादी मैं कराऊंगी। हाँ, आया है बड़े पूछने वाला, सौदा करने वाला, शर्म नहीं है इसे। भाई आज घर का माहौल में इतना सन्नाटा क्यों है? एक तो मेरी तबीयत भी खराब है, फिर भूख की शिद्दत ने मुझे निढाल कर दिया। या कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं। तुम यहां ऐसे कैसे बैठी हो भाई? शुक्र करें जिंदा हूं। है? अरे भाई खुदा ना खास, ऐसी क्या बात हो गई भाई? ये शहजाद को आजकल अपनी बीवी कुछ ज्यादा ही अजीज नहीं हो गई है? एक तो सुबह वो मुझे इतनी सुना के गई, ऊपर से वो आया, उसने तो मेरी इज्जत ही हथेली पर रख दी। कसूर उनका नहीं, कसूर वालदेन का होता जुबैदा बेगम।
जब बच्चे माँ बाप के गरेबान में हाथ डाल दें तो वक्त बड़ा कमजोर होता है तुम्हारे और हमारे जैसे माँ बाप के लिए। इसीलिए तुमसे मैं कहता हूं कि बच्चों के हाथ में लगाम मत दो, बल्कि बच्चों की लगाम अपने हाथ में लो। मेरे कोई सुनता ही नहीं। जब से आया हूं तो मैं देख रहा हूं कि एक अजीब ही उल्टा निजाम चल रहा है यहाँ पर। अरे पूरा दिन मैं बिस्तर में पड़ रहा हूं, तुम्हारे किसी बच्चे ने आके मुझे पानी का नहीं पूछा। तुम कह रही हो कि बच्चे इज्जत नहीं करते, अरे क्या खाक इज्जत करेंगे बच्चे? तुम जाकर बैठो, खाना लगाती हूँ मैं। वो महविष का है? अपनी सहेली के घर गई है। वो नसरीन खुद आई थी, पर ना मैं उसे अकेले जाने ना देती। मैंने इस बात पे कब एतराज किया है? तुमने तो मुझे इस मामला से बिल्कुल सुबकदोश कर दिया। भाई बार बार ये मामला तो उठा के मैं अपनी इज्जत दांव पे तो नहीं लगा सकता ना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा अभी सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि खाना मिल सकता? बहुत भूख लग रही है मुझे। जाओ जरा खाना ले आओ मेरे लिए।